अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेंच मार्किंग के बारे में। आखिर बेंच मार्किंग है क्या, इसके एडवांटेजेस, और बेंच मार्किंग करने से पहले और उस दौरान किन किन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। बेंच मार्किंग मीन दैट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज कंपेयर्ड विद द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इट्स अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर देयर परफॉर्मेंस एंड चेक देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मीन जो बेंच मार्किंग है उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कंपेयर किया जाता है विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो उस इंडस्ट्री या उस बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने में और उस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस और स्ट्रेंथ को चेक करने में। अगर बात की जाए इसकी एडवांटेजेस की, तो नंबर वन, आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नंबर टू, इंश्योर दैट द मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स आर इफेक्टिव। नंबर थ्री, फीडबैक इनटू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नंबर फोर, हेल्प बाय लर्निंग मैसेज फ्रॉम अदर। अगर बात की जाए इश्यूज जो कि बेंच मार्किंग से पहले देखने चाहिए, उसमें सबसे पहले आपका सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। डेटा इज एक्सेसिबल एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। Use common definitions and there is commitment behind that process. Mean अगर आप benchmarking करने जा रहे हैं तो आपको एक suitable organization का इंतखाब करना चाहिए जो आप data use करने जा रहे हैं वो accurate और accessible होना चाहिए, और जो definitions आप use करेंगे वो कॉमन होनी चाहिए। मीन अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की डेफिनेशन जो कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ एंड सेफ्टी की सेम वही डेफिनेशन करे, और इस प्रोसेस के बिहाइंड कमिटमेंट होनी चाहिए कि मीन इस प्रोसेस के बाद, इस बेंचमार्किंग के बाद कुछ नया सीखने को या कुछ नया करने को मिलेगा। अगर बात की जाए इश्यू जो डिस्कस किए जाए या इश्यू जो जिन पर नज़रसानी करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले आपका क्वालिटी ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ द रिस्क असेसमेंट, क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, देन एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स और नियर मिसेस रिकॉर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द मॉनिटरिंग। ये कुछ चीज़ें बेंचमार्किंग में देखी जाती है। मीन आपकी जो सेफ्टी पॉलिसी है उसकी क्वालिटी क्या है, रिस्क असेसमेंट की क्वालिटी क्या है, जो अपने स्टाफ या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, जो आपके स्टाफ्स हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सीडेंट या नियर मिसेस का रिकॉर्ड रखती है, अगर रखती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है या नहीं करती, इन सब बातों को बेंचमार्किंग में देखा जाता है। दोस्तों ये तो कुछ बात ही बेंचमार्किंग में, जो कि आप अगर हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में या फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।